दोस्तों, ज्यादातर बार किसी व्यक्ति के प्रश्नों के प्रकार से उसकी चतुरता और विचारशीलता का आंकलन करना आसान होता है। सिग्मा मेल इस फैक्ट को समझते हैं और यही कारण है कि वे हमेशा उन सवालों के प्रति सचेत रहते हैं जो वे किसी एनवायरनमेंट में पूछ लेते हैं। मत भूलो कि सिग्मा मेल इस बारे में परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वे मूर्ख भी नहीं दिखना चाहते। लोन वुल्फ कभी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जिससे लोगों को अजीब और असहज महसूस हो। बेशक सिग्मा मेल में उच्च स्तर की आत्म जागरूकता होती है, इसलिए वे सोचने से पहले बात नहीं करते। इसके बजाय वे बोलने से पहले रचनात्मक रूप से सोचते जरूर है। आज के वीडियो में हम उन 5 सिली क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो सिग्मा मेल कभी नहीं पूछते, और अगर आप ये सवाल पूछते हो तो आप सिग्मा मेल नहीं हो सकते। तो वीडियो में जान लो कि क्या आप सिग्मा मेल हो या नहीं। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसके बजाय ऐसा करना चाहिए, या आपको नहीं लगता कि हमें बी के बजाय दुकान ए पर जाना चाहिए। सिग्मा मेल इस प्रकार के प्रश्न कभी नहीं पूछते। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन क्लोज एंड होते हैं और अन्य लोगों को अपने विचार और इनपुट देने की अनुमति ही नहीं देते। ये मानने का एक तरीका है कि आपका विचार सही है और चाहता है कि हर दूसरा व्यक्ति इससे सहमत हो। क्योंकि सिग्मा मेल विचारशील और सहज होते हैं, वे ऐसे प्रश्नों के नीतिहार्थ को समझते हैं, इसीलिए वे कभी भी अपने प्रश्नों को इस तरह से वाक्यांश नहीं देते। वे इसके बजाय अपने प्रश्न इस तरह से पूछना चाहेंगे कि अन्य लोग उस पर चर्चा कर सके और अपना योगदान दे सके और किसी समस्या के संभावित समाधान के साथ भी आ सके। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्यों नहीं? ये एक अन्य प्रकार का क्वेश्चन है जो सिग्मा मेल नहीं पूछते। किसी से ये सवाल पूछना कि आप कॉलेज में क्यों नहीं है, आप रिलेशनशिप में क्यों नहीं है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वे उस व्यक्ति को असहज, नाराज और कभी कभी रक्षात्मक होने के लिए कह रहे हैं। सिग्मा मेल मानव व्यवहार के मनोविज्ञान को समझते हैं। वे जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने से अन्य लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वे अन्य सभी लोगों की तरह समान समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं, और लोग अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन को आलोचनात्मक, संरक्षण देने वाले और अपमानजनक के रूप में देखते हैं। सिग्मा मेल समझते हैं कि लोग अलग हैं और वे चीजों को अलग तरह से करते हैं। वे जानते हैं कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती है और प्राथमिकताएं भी, इसलिए उनके लिए एक अलग समय रेखा होना स्वाभाविक है। इसलिए किसी से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना गलत और न्यायपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके आई बैग इतने बड़े क्यों हैं? आमतौर पर सिग्मा मेल बहुत ही इमोशनल और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और वे कभी भी किसी की शक्ल से जुड़े सवाल नहीं पूछेंगे। लोन वुल्फ इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई मोटा है, कुरूप है, बड़ी आंखें हैं, एक्सेट्रा, और वे उनसे कभी नहीं पूछेंगे कि वे जैसे हैं वैसे क्यों दिख रहे हैं। वे जानते हैं कि किसी की शारीरिक बनावट पर ध्यान देना एक सेंसिटिव विषय है। किसी की उपस्थिति के बारे में क्वेश्चन और कमेंट इनसेंसिटिव है और व्यक्ति को अपने बारे में भयानक महसूस करा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इरादा सही है या आप उनकी भलाई के बारे में चिंतित है। इस तरह के सवाल पूछना सेंसिटिव है। सच तो यही है, आप वास्तव में नहीं जानते कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं और उनकी शक्ल सूरत के बारे में सेंसिटिव सवाल पूछना उनके हालात और खराब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं इस व्यक्ति को क्या दे सकता हूँ? लोग जब भी किसी को पसंद करते हैं तो अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं। सिग्मा मेल खुद से ये सवाल कभी नहीं पूछते क्योंकि इससे आत्म संदेह पैदा होता है। ये किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वे दोस्ती के लायक है या किसी और के प्यार में है। इसलिए जब भी सिग्मा मेल किसी को पसंद करते हैं तो वे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते कि उस व्यक्ति को क्या दिया जाए। वे अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हैं और उस व्यक्ति को वे उपहार देते हैं जो वो उन्हें
देने का मन करता है। लॉन वोल्फ दोस्ती को समझते हैं और रिश्ते व्यापार समझौते की तरह नहीं होते। आपको ये गणना करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक दूसरे को क्या देते हैं और क्या लेते हैं। आपको ये सोचने में ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है कि आप किसी का ध्यान या स्नेह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिग्मा मेल समझते हैं कि किसी के साथ रिश्ते या दोस्ती में होना नौकरी, लुक्स या पैसे से भी आगे होता है। वास्तव में जो मायने रखता है वह आपके व्यक्तिगत गुण और विचित्रताएं, यही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। एक बार जब आप स्वयं लोगों के आसपास होते हैं तो वे निश्चित रूप से आपकी सराहना करेंगे और आपसे प्यार करेंगे कि वास्तव में आप कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? यह सबसे बेवकूफ सवाल है जो कोई भी पूछ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपका दोस्त है या साथी। इस सवाल का कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को लंबे समय से जानते हैं तो आप ये नहीं मान सकते कि वे जानते हैं कि आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। सिग्मा मेल इस फैक्ट को समझते हैं और वे ऐसे सिली क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। सिग्मा मेल ये मानने के बजाय अपनी जरूरतों को संप्रेषित करेंगे कि लोग उन्हें पहले से ही जानते हैं। दोस्तों, क्या किसी ने आपसे पहले इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा है या आपने इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी से भी पूछा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्मा मेल कैसे बनते हैं, हाउ टू बी अ सिग्मा मेल, हाउ टू बिकम अ सिग्मा मेल। आपने बहुत ज्यादा वीडियोस में आजकल सुना होगा, सोसाइटी में बहुत ज्यादा चल रहा है कि सिग्मा मेल बनो, सिग्मा मेल ये होता है, सिग्मा मेल रूल नंबर 1, सिग्मा मेल रूल नंबर 2, ये सब चलता है। हमें पल्ले नहीं पड़ता है सिग्मा मेल बनते कैसे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिग्मा मेल होते क्या है और सिग्मा मेल बनते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज कि सिग्मा मेल लगभग अल्फा मेल जैसे होते हैं। अब आप बोलोगे भाई सिग्मा मेल ही नहीं पता था, अब अल्फा मेल भी बता दे दो। तो अल्फा मेल का कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी ऐसा लड़का जिससे आप खुद प्रभावित हो जाते हो, जो कि लड़कियों में घूमता रहता है, बहुत ही चौड़ में रहता है, जिसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके आसपास पड़ोस में होगा, जिसके पीछे लड़कियां दीवानी है ना, समझ जाओ कि वो अल्फा मेल माना जा रहा है, वो अल्फा मेल है। सिग्मा मेल भी अल्फा मेल ही होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बकचोदी नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि एक वो लड़का जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और वो शो ऑफ भी उतना ही कर रहा है कि ब्रो उसके पास एक्सेंट भी तगड़ा वाला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो एक्सेंट भी बहुत तगड़ा बोलता है, यार क्या कर रहा है यार, वो है वो पूरा साउथ दिल्ली लड़कियाँ वाली, क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहे हो यार ब्रो। तो वो सारी चीज़ें ना अल्फा मेल करते हैं, पावर, पैसा दिखाना, शो ऑफ करना, अपने आपको दिखाना कि मैं तो कितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं क्लबिंग करता हूँ ब्रो, लेट्स गो एंड हैव अ क्लब टुनाइट, है ना, हैव अ क्लब, क्या होता है क्लब, ले थोड़ी रहे अंदर, ले भी सकता है, उनका कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। तो लड़कियां और बाजी ये सब करते रहते हैं। जो सिग्मा मेल होता है ना, वही बकचोदी नहीं काटता, वो शांत रहता है, वो शांत रहता है। हाँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो अल्फा मेल मालों की मार लेता है, वो सिग्मा मेल होता है। इसलिए बोला जाता है सिग्मा मेल, सिग्मा मेल, सिग्मा मेल। कहने में बड़ा आसान है, करने में फट जाती है। क्यों फट जाती है मैं बताऊंगा ना, तो आप अपना के देख लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ईमानदारी से कितने लोग हैं जो कर लेंगे इन चीज़ों को। बोलना बड़ा आसान है, ज्ञान पेलना, सिग्मा मेल बन जाओ, बन के दिखाना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। सबसे पहली चीज कि जो सिग्मा मेल होते हैं ना, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा, और वो खुद बाय चॉइस इंट्रोवर्ट होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये लोग बहुत शांत होंगे, बहुत शांत होंगे। तो शांत तो हम भी है, शांत तो तुम भी हो, शांत तो हर एक लड़का है, लेकिन ये उन लड़कों की तरह नहीं होते कि कोई दूसरा लड़का आके इनकी मार रहा है, इनकी पेल रहा है, इनकी ले रहा है अच्छे से, और ये कुछ बोल नहीं पा रहे। नहीं, ये वैसे लड़के होते हैं कि वैसे तो शांत है, लेकिन आकर कोई बकचोदी काटेगा तो उसकी माँ बहन कर देंगे ये भाई, वहां पर दंगा हो जाएगा। वो वाले लड़के होते हैं, अकेले फाड़ के फेंक देते हैं। अब मैंने क्यों बोला कि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्त एक बात बताऊं, जब आपके पास इतनी पावर होगी कि आप सामने वाले की ले लो पकड़ के, तो आप कभी शांत रहोगे ही नहीं, आप अल्फा मेल बनने की ओर चले जाओगे, आप प्रोबाजी करोगे, आप हवाबाजी करोगे, जाके ऐश काटोगे, जाके दिखाओगे ब्रो मेरे पास इतना पैसा है, मेरे बाप के पास ये है भाई, कतई ये है वो है, आप अल्फा मेल बनना शुरू हो जाओगे। सिग्मा मेल बनने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। ट्रू मायने में ये लोग होते हैं जो सच मायने में तगड़े बंदे होते हैं, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है, बता दिया मैंने तुम्हें रीज़न। तो ये वो लड़के नहीं होते जो शांत इसलिए हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं बात करने को, ये बेचारे हैं, ये बेचारे नहीं होते। आपको लग सकता है ये बेचारे हैं, बेचारे नहीं होते, ये बिल्कुल बेचारे नहीं होते, ये बाय चॉइस अकेले रहते हैं। एक होता है अकेला पड़ जाना, एक होता है अकेला रहना।
आप अकेले पड़ जाते हो या अकेले रहते हैं। इनको किसी से बात नहीं करनी होती है, लोग इनसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये बात नहीं करते, इसलिए अकेले रहते हैं, अकेले पड़ नहीं जाते, अकेले हो नहीं जाते। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपके पास ऐसा है कि सब लोग लड़कियां आपके पास पीछे पड़ी हैं, पीछे पड़ी हैं, तो यार आप क्यों ही शांति में रहोगे, अकेले क्यों रहोगे, जाके सेक्स करोगे उनके साथ? लेकिन यही ये लोग नहीं करते, ये बोलते नो फक्स गिवन, बाड़ में जाओ। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया, दे रियली आर वेरी मच पावरफुल। ये बहुत पावरफुल होते हैं। पावर किससे, किस चीज से आती है यार? देखो, पावर सबसे पहली चीज आती है पैसे से। इनके पास सच मायने में पैसा होता है। अगर किसी लड़के के पास पैसा नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास फिगर नहीं है भाई अट्रैक्ट करने के लिए, आपके फिगर कोई देख भी नहीं रहा। ठीक है, आपके पास वो चीजें नहीं है जिसको आप पुशअप ब्रा पहन के या कुछ करके या स्पोर्ट्स ब्रा पहन के शो ऑफ करोगे। नहीं, हम लड़के हैं दोस्त, हमें पैसा कमाना पड़ता है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो लड़की होते जिंदगी आसान हो जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों की जिंदगी आसान होती है, लड़की होके 10 और 20 मुसीबतें हो सकती थी, लेकिन जो एक फायदा हो सकता था ये हो सकता था कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता। लुक्स दिखाते, क्लेविज दिखाते, आपका काम बन जाता। डिस्क्लेमर, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, बकचोद है तो ये सब ठीक है, सुन लिया मैंने, बस बस कंट्रोल करो। ठीक है दोस्त, तो आपको पावर लाना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, सच में स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। और देखो, याद रखना कि स्ट्रेंथ दिखाने की उस इंसान को जरूरत नहीं पड़ती जिसके पास स्ट्रेंथ होती है। आपको पैसे की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब आपके पास पैसा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत पैसा है तो आपको कभी लड़की को पैसा दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लड़की को पता है आपके पास पैसा है, वो अपने आप पे अट्रैक्ट हो जाएगी। आपके पास पैसा नहीं है और दिख नहीं रहा कि आपके पास पैसा है, तो आपको सच में पैसा खर्च करना पड़ता है, लड़की को दिखाना पड़ता है कि मेरे पास पैसा है, आप खर्च करते हो दिखाते हो। तो जो नए नए अमीर बनते हो पैसा दिखाना शुरू करते हैं कि देख मेरे पास पैसा है, जिसके पास पैसा होता है कभी नहीं दिखाता, उसको पता है मेरे पास पैसा है मैं क्या दिखाऊंगा यार, तेरे को जरूरत पड़ेगी तो पेल दूंगा तुझे, किस चीज में आएगा तू बता, पैसे में आएगा कि पावर में आएगा, स्ट्रेंथ में आ जाएगा तो वो भी बता दे। तो इनके पास ये एटीट्यूड होता है। ठीक है, मेरे में ये एटीट्यूड नहीं है दोस्त, मैं जस्ट बताने के लिए आपको एक्ट करके दिखा रहा हूँ कि ब्रो फाड़ दूंगा मैं बीटा अल्फा पता नहीं क्या हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि पावरफुल होते हैं। और तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा भाई कठिन है लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर सिग्मा मेल बनना है, और ये सबसे महंगा पॉइंट है दोस्त, नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस है ना, अगर बोल रहा हूँ नहीं कर पाओगे तो सच में मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करोगे, कर भी नहीं पाओगे, कर लोगे, बहुत मुश्किल है, ये तात्पर्य है, चैलेंज दे रहा हूँ ताकि तुम खुद को थोड़ा मोटिवेट कर लो। क्यों? क्योंकि थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर आपको रियलिटी पता होती है प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की, लड़की बाजी की, सेक्स की, आपको अच्छे से पता होता है ये चल क्या रहा है दुनियादारी में। अल्फा मेल्स को इतना नहीं पता होता, अल्फा मेल्स के पास सब कुछ होता है लेकिन आईक्यू इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब वो दुनिया की समझ नहीं रखते अल्फा मेल्स। वो सेक्स करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, क्लबिंग करते हैं, दारू पीते हैं, ऐश करते हैं, गाड़ियां लेते हैं, घूमते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाओगे, लेकिन वो लोग बर्बाद पड़े हैं। उनके पास शायद खुद का पैसा भी नहीं है, वो बाप के पैसे को उड़ा रहे हैं, लेकिन जो सिग्मा मेल्स होते हैं वो मेहनत करके पहुंचे हुए होते हैं, उनको पता है यार पैसा नहीं उड़ाना चाहिए, इफ उनका पैसा नहीं भी होता तो भी पैसे नहीं उड़ाते, फालतू की हरकतें नहीं करते वो। उनको पता है कि आजकल जो लड़कियां हवाबाजी कर रही हैं उनको क्या चाहिए, उनको पता है जो लड़के आजकल हवाबाजी कर रहे हैं उनको क्या चाहिए, उनको पता है प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, सब सेक्स होता है, सब सेक्स होता है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता इनमें से कोई पॉइंट्स मेरे पास है नहीं है, थोड़े बहुत अगर समझे तो थर्ड पॉइंट की है दोस्त, मैं मानता हूँ ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है, ज्ञान पेलना मेरे लिए भी ये कहना बहुत आसान है वीडियो में कि देखो लड़कियों के क्लीवेज के पीछे मत पड़ो, कुछ नहीं होता, लेकिन मैं खुद भाई लड़की के क्लीवेज को झांक रहूंगा, हो सकता है झांक लूं, मैं नहीं करूंगा लेकिन हो सकता है मैं कर लूं, गॉड नोज मैं ऐसा हूं, नेचर ने मुझे ऐसा बनाया है, मैं नेचर के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं ना देखूं, मन करेगा हो सकता है देख भी लूं, इतना मुश्किल काम है। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के सामने नहीं झुकते, भाड़ में गई दुनियादारी, सामने खूबसूरत से खूबसूरत परी लड़की भी बैठी होगी, बहुत हॉट होगी भाई, कतई सेक्सी जहर होगी, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, बंदी एक्सेंट मार रही होगी, बंदी बहुत ज्यादा दिखा रही होगी, व्हाट्स अप, व्हाट यू डूइंग या वाह या, इन वाले आराम से ये पक्षोदी मत काटो, क्या हाँ लाइक व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, ठीक हो? ये बहुत ऐसे रहते हैं, अकड़ दिखाते नहीं है, अकड़ सहते भी नहीं है। किसी के पास होगा बहुत पैसा, ये नहीं डरते,
किसी के पास होगी बहुत अच्छी इंग्लिश, ये नहीं डरते। किसी ने पहने होंगे भाई महंगे महंगे ब्रांडेड शूज़ पहने होंगे, शूज़ भी नहीं होते आजकल तो स्नीकर्स होते हैं ना, क्या होते हैं स्नीकर्स, जॉर्डन्स, एनीवे जो भी है, तो जो भी चीज़ें हैं भाई लुई विटों ये और सब पहना हो सब ठीक है। तुम क्या हो ये बताओ, तुम में दम है क्या? मुझे पता है हो सकता है तुम्हारे पैसे से ही तुमने ये चीज़ें खरीदी हो, तो हो सकता है तुम कह दो तुम में दम है, लेकिन क्या हो तुम रियल में, एक इंसान क्या हो ये बात करो। मैं इंसान हूँ, तुम इंसान हो, आओ बात करें, नहीं हो ना लायक निकलो। ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ कहना बहुत आसान होता है दोस्त, मैंने आपको बस ये तीन चीज़ बताई हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को अपनाने में मैं शायद 5-5, 6-6 वीडियोज़ बना दूंगा, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बताना। कि अब ये वही बात है ना कि मैं बता दूं कि अमीर कैसे बनते हैं, तो अमीर बनने के लिए लेजी नहीं होना, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, और अमीर बनने के लिए आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, आपको थोड़ा कम सोना है, लड़कीबाजी कम करनी है, सबको पता है, सबको पता है यार, तुम्हें भी पता था, मुझे भी पता था, फर्स्ट कैसे आया जाता है क्लास में, कॉलेज में आए क्या नहीं आए ना, हमें पता है भाई पढ़ के ही आएंगे, नहीं मन कर रहा ना पढ़ने का, हमें पता है मठनी मारनी चाहिए, मार रहे हैं ना, हमें पता है लड़कीबाजी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। ज्ञान पेलना बड़ा आसान होता है बाबू, उसको अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। ज्ञान नहीं चाहिए किसी को, मेरे पास कोई आता ना एडवाइस देने, मैं बोलता हूँ तेरे को एडवाइस नहीं चाहिए दोस्त, तुझे पता है तेरे को क्या करना है। लड़के मेरे को फ़ोन करते हैं भाई ब्रेकअप हो गया अर्पित, भाई बता क्या करूं? क्या करूं? क्या तेरे को नहीं पता क्या करना है? सुनना तो ये चाहता है, अरे यार अच्छा चल मैं तेरे को टिप्स देता हूँ, कितने लड़कों के कितने लड़कियों ब्रेकअप हो गया, उसको वापस लाना है, क्या करूं भाई? वापस क्यों लाना है बच्चों, तो क्या कहते ही, और उनकी गलती भी नहीं है। अगर मेरा ब्रेकअप हो तो मैं खुद ऐसा कि मैं क्या करूं कि मैं वापस ले आऊं, क्योंकि इंसान बना ही ऐसा होता है। लेकिन जिसको समझ होती है ना कि इंसान ऐसा ही है, वो जो मान लेता है वो समझ जाता है, और जिसको होता है ना कि नहीं ऐसा कैसे होता है, नहीं फिर लड़ते रहो, ना जीत पाए हो ना जीत पाओगे, समझ रहे हो? तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कुछ पल्ले पड़ी हैं तीनों चीज़ें, ऐसी भक्ति मैंने पढ़ी हैं भाई, तो फिर समझ जाना सिग्मा मेल बनने के कुछ चांसेस हैं तुम्हारे, कुछ बोल रहा हूँ अभी। और पल्ले ही नहीं पड़ी तो फिर तो कोई दोष ही नहीं है तुम्हारा, फिर तो भाई ऐश काटो, फिर तो भाई मजे करो लाइफ के। तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर समझ आई तो सच में लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, मज़ा ही आ गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।